जी तो यहाँ अल्लाह ताला के पाक नाम से दिन का आगाज़ हो चुका है और मैं अपने मामूल के मुताबिक नमाज़ पढ़ने के बाद बाहर की लाइट्स ऑफ करने आती हूँ लाइट्स भी ऑफ़ कर देती हूँ और फिर ज़रा बाहर का एक चक्कर भी लगा लेती हूँ आप सब जानते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर सुबह सुबह आना परिंदों की आवाज़ें सुनना लॉन को देखना पौधों से बातें करना यहाँ जनाब मैंने जो बाहर की लाइट्स चल रही होती हैं वो मैंने कर दी हैं ऑफ़ और ये है हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो कि पूरा दिन जलती रहती हैं इन्हें कोई भी ऑफ़ नहीं करता मुझे नहीं पता कि इनका क्या सिस्टम है किसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है ये लेकिन ये कोई भी ऑफ़ नहीं करता तो चलें जनाब अब चलती हूँ अंदर और करती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आगाज यहाँ मैं रामीन के लिए लंच बॉक्स तैयार करने लगी हूँ तो आज मैं उसको दे रही हूँ नगेट्स उसको चेंज कर कर के चीज़ें देती हूँ अगर एक ही चीज़ दूँ ना तो वो एक मोनोटनस सी बात हो जाती है और वो फिर पसंद नहीं करती ये है हमारी कढ़ाई इसे देख के परेशान मत होइएगा ये, ये हमने सिर्फ फ्राइंग के लिए ही रखी हुई है तो यहाँ मैं इसके लिए नगेट्स फ्राई करने के लिए रख दूँगी और बहुत हल्की आँच पर फ्राई करती होती हूँ ताकि बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए और यहाँ जनाब मैं पीने लगी हूँ अपना ड्रिंक तो देखें जनाब मैं पानी का एक गिलास माइक्रोवेव में तकरीबन एक मिनट बीस सेकंड पे रख के मैं गर्म कर लेती होती हूँ अच्छा बहुत अच्छा ये गर्म हो जाता है और फिर देखिए कि इसके बाद मैं इसमें क्या ऐड करती हूँ जनाब तो पानी मेरा हो रहा है गर्म और ये यहाँ पर गरम हो चुका है और मैं इसे निकालती हूँ और इसमें मिक्स करती हूँ वो चीज़ें मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती रहती हूँ क्योंकि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं होता तो मैं फिर कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा ना फैल जाए तो यहाँ जनाब मैंने मोरिंगा पाउडर इसमें ऐड किया है और साथ थोड़ा सा हनी आई एम ऑन इट मैं इस ये इसको पी रही हूँ अभी मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है इसको पीते हुए तो मैं इन अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जबकि मुझे फील हो रहा है कि इसके बहुत अच्छे असरात मेरी बॉडी पर हो रहे हैं लेकिन अभी मैं थोड़ा सा और टाइम गुजार लूं तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी यहाँ जनाब रामीन बाजी रेडी हो रही हैं स्कूल जाने के लिए मुझे इस मामले में बहुत आसानी है कि माशाल्लाह से रामीन ख़ुद रेडी हो जाती है ख़ुद अपने बाल भी बना लेती है और यहाँ खैर से जा रही है अल्लाह की सपुरद खैर से जाओ बेटा और खैर से आओ तो जनाब रामीन जा चुकी है और मैं अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शुरू कर दी हैं मैं वॉशिंग मशीन लगा देती होती हूँ क्योंकि रामीन के जाने के बाद अपने काम ख़त्म करने के बाद मैं एक घंटा फिर से सोती ज़रूर हूँ तो जब मैं सो के उठती हूँ तो फिर कपड़े बिल्कुल रेडी हो चुके होते हैं ये ऑटोमेटिक मशीन की बहुत आसानी है बहुत फ़ायदे हैं मैं रिकमेंड करूंगी कि आप सब लोग कोशिश करें कि वॉशिंग मशीन आपके पास ऑटोमेटिक हो तो यहाँ जनाब मैंने मशीन स्टार्ट कर दी थी और मैं फिर सो गई थी उसके बाद जनाब फिर दोबारा से उठे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आगाज किया आज साइम का शावर डे था साइम ने बात लिया तो ये साइम साहब रेडी हो के आके बाहर बैठ गए हुए हैं माशाल्लाह से और साइम को मैं डेली जो है वो नहीं नहला सकती कॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी मैं और इसके बाबा दोनों मिलके इसको नहलाते हैं माशाल्लाह अब साइम बड़ा हो गया हुआ है तो मैं अकेली इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती लेकिन साइम को नहलाना भी बहुत ज़रूरी होता है इसलिए हम ऑल्टरनेट डेज पर एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ के आजकल सर्दियां हैं आजकल दो तीन दिन भी गुजारा हो जाता है तो फिर हम साइम को शावर देते हैं क्योंकि हमें इसकी हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखना होता है यहाँ जनाब मैंने साइम साहब के लिए नाश्ता रेडी कर लिया और आज ये खा रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स बिसमीकुम माय वेरी ब्यूटीफुल फैमिली हियर आउट आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं बहुत मज़े में हैं बहुत अच्छा सोच रहे हैं और बहुत खुश हैं तो जनाब आज मेरे घर में क्या बन रहा है इस बड़े से पतीले में तो जनाब जैसा कि सबको पता है कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों के मज़े मज़े के खाने भी तो जनाब आइए फिर देखिए आज का वी और देखिए आज मेरे घर में इस पतीले में क्या बना है जी तो मैं आज उमर साहब की फरमाइश पे बना रही हूँ निहारी निहारी बनाना ज़रा लंबा एक प्रोसीजर होता है लेकिन जनाब उसके लिए हमें स्पेशल मीट लाना पड़ता है ये मैं लाई हूँ बीफ की मछलियाँ जो होती हैं ना उसका मैंने मीट लिया है और उसकी बड़े बड़े पीसीस करवा लिए हैं और साथ ये जो उसी के साथ बोन और ये गुट वगैरह होते हैं ना ये बोन मैरो वाली यानी कि मिक जो होती है ये वो वाली बोन्स हैं में बोन्स ना पड़ें तो नारी का कभी टेस्ट नहीं निकलता इसलिए आप बेशक बोनलेस मीट यूज़ करें लेकिन उसके साथ बोन्स ज़रूर यूज़ करें तो आए जनाब सबसे पहले बना लेते हैं नहारी के लिए एक मसाला ये मैंने इसमें चार चम्मच सौंफ के डाले हैं सौंफ सबसे अहम इंग्रेडिएंट है नहारी बनाने के लिए और इसके साथ जनाब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चार ही चम्मच सबत धनिया ठीक है जी ये धनिया ऐड हो गया और यहाँ मैंने दस से बारह इलायचियाँ ऐड कर दी हैं सब्ज़ इलायचियाँ और जनाब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन दस से बारह ही बड़ी इलायचियाँ यह भी नहारी का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीब पाँच बादियान के फूल ये भी निहारी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसके बगैर निहारी का फ़्लेवर ही नहीं निकलता और अब मैंने ऐड कर दिए हैं तकरीबन दो से तीन पीस दार चीनी के और यहाँ मैंने ऐड कर दिए हैं तकरीबन पाँच छः तेज़पात या तेज़ पत्ता बे लीफ होता है ये जो हम बिरयानी में भी इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो ये यहाँ सारे मसाले हो गए हैं रेडी इनकी हमने तैयार करनी है एक पोटली ये जो बड़ी इलायची और छोटी इलायची थी ना मैंने इसको मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है इससे अच्छा फ्लेवर निकल आता है इसका यहाँ ये पोटली रेडी हो गई है ये ताज़ा मैंने लहसुन और अदरक जो है वो मैं क्रश करने जा रही हूँ पूरी एक पोती मैंने लहसन की ली थी बड़ा तकरीबन सात आठ इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लेके उसको मैंने फ्रेशली चॉप कर लिया तो आइए जनाब अब शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से निहारी और यहाँ मैंने तकरीबन एक कप यानी 250 ml जो है वो मैंने ऑयल का ले लिया है इसमें ऑयल ज़रा थोड़ा ज़्यादा जाता है जनाब और ऑयल डालने के बाद ये मैंने एक बड़ा खुले मुंह का पतीला लिया हुआ है क्योंकि मुझे गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना होता है ये सारा गोश्त मैं ऐड कर दूँगी ये मैंने व्हील का मीट लिया हुआ है आप देखें कितने खूबसूरत कलर का है यानी व्हील जो है ये छोटा जानवर होता है और इसका मीट बहुत टेंडर भी होता है और इसका कलर भी देखें आप कितना शानदार है तो बस जनाब यहाँ में सारा मीट इसमें ऐड मैंने कर दिया है और अब मैं सिर्फ मीट को पहले बहुत अच्छे से ऑयल में ज़रा भून लूँगी यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए जी तो यहाँ आप देखें कि मैंने मीट को बहुत अच्छे से भून लिया है और इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है और अब जनाब मैं ऐड इसमें कर देती हूँ वो सारी बोन्स जो कि मैंने इसके साथ ही ली थी मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके रखी हुई हैं ये देखें गुट हैं और जो इसी के साथ ये जो आ, मिक खाती है ना नली ये बनने जा रही है नली नहारी ये सब भी मैं इसके साथ ऐड करके इनको भी बहुत अच्छे से भून लेती हूँ बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के मैंने मीट को भूना है जी तो यहाँ मैंने हड्डियों को भी बहुत अच्छे से भून लिया है और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ ये लहसुन अदरक का फ्रेशली चॉप्ड पेस्ट मैंने बहुत अच्छे से और ढेर सारा मैंने लहसुन अदरक इसमें ऐड कर दिया है और अब मैं लहसुन अदरक के साथ भी इसको भून लूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो एक रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छी सी एक इनकी सोंधी सोंधी सी खुशबू मुझे आने लगे मैं उस वक्त तक इसको भून लेती हूँ जी तो यहाँ मैंने सब कुछ लेसन के साथ बहुत अच्छे से भून लिया और देखें कलर भी कितना अच्छा हो गया है यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी ये दो साबत प्याज ये मुझे काटने नहीं हैं क्योंकि ये बाद में मुझे इसी तरह बाहर निकाल लेने हैं जब इनकी यखनी वगैरह निकल जाएगी यहाँ मैं ये डाल रही हूँ सौठ का पाउडर या अदरक का पाउडर यहाँ पे मैंने ये बहुत ज़रूरी है अगर मेरे पास इस वक्त साबत टुकड़ा नहीं था अगर साबत टुकड़ा इसका सोंठ का होता तो मैं उसको अपनी पोटली में भी ऐड कर देती लेकिन साबत टुकड़ा नहीं था तो मैंने यहाँ पर पाउडर ही ऐड कर दिया है अब जनाब ये भी मैंने अच्छे तरीके से भून गया है और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये अपनी पोटली जो कि मैंने मसालों की पोटली बांधी थी ये इसी तरह पोटली में ही डालते हैं क्योंकि ये बाद में हमने पोटली भी निकाल लेनी है और ये प्याज़ जो हमने साबर डाला है ना ये भी हमने निकालना है, निकाल लेना है और यहाँ जनाब मैंने एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है और वो है जनाब आप किसी भी ब्रांड का नहारी मसाला अपने फ्लेवर के मुताबिक मैं चूंकि स्पाइस लवर नहीं हूँ मैं बिल्कुल थोड़ा सा नहारी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले लें और वो इसमें ऐड कर लें ठीक है जी ये भी मैंने ऐड कर लिया है बस इसको मैं हल्का सा इसके साथ भूनती हूँ ताकि इसके जो मसाले होते हैं उसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और बस फिर मैं साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी पानी जी और यहाँ जनाब इसमें ऐड कर देती हूँ अब ढेर सारा पानी तकरीबन मैंने पाँच लीटर पानी इसमें ऐड किया था और बस जनाब अब पानी ऐड करके मैं इसको एक दफ़ा बहुत अच्छे से फुल बॉईल आने तक मैं इसका इंतज़ार करती हूँ और जैसे ही पानी में बहुत अच्छे से बॉईल आएगा तो मैं इसको बिल्कुल धीमी आँच इसकी मैं कर दूँगी और यहाँ जनाब बहुत अच्छे से नहारी में बॉयल आ गया है और यही मैं चाहती थी कि बहुत अच्छे से एक बॉयल आ जाए और बस अब मैं इसकी धीमी आंच कर दूंगी और इसको बहुत आराम से मैं इसको तकरीबन तीन चार घंटे में इसको पकने दूंगी जी तो यहाँ मैं अब, उसका वीडियो का कुछ हिस्सा निहारी की वीडियो का कुछ हिस्सा मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी यहाँ निहारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई हुई है इसमें मैंने हड्डियाँ जो हैं वो तीन चार घंटे के बाद निकाल दी थी और मैंने वो प्याज भी निकाल दिए थे और फिर मैंने इसमें और कुछ इंग्रेडिएंट्स यानी कि वो जो आटा वगैरह शामिल कर दिया था लेकिन अगर आप लोग इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे, आ इसकी डिटेल वीडियो है वो मैं इसका लिंक दे दूंगी ताकि आप लोग उसको डिटेल में वहाँ जाके देख सकें ये है तकरीबन इसकी कुछ एक आध हड्डी मैंने एंड तक रखी थी अब मैं वो भी बाहर निकाल देती हूँ तो जनाब अब यहाँ बिल्कुल रेडी हो गई हुई है ये आप देखें बोटियाँ जो हमने डाली थी वो बिल्कुल साबत हैं लेकिन इतनी अच्छी गली हुई हैं बिल्कुल रुई की तरह कि आप जहाँ पर जो है वो निवाला रखेंगे आपकी जो है वो बोटी इतनी मजे से टूट जाएगी बिल्कुल रुई की तरह और यही निहारी की खूबसूरती होती है कि बोटी साबत भी हो और बहुत अच्छे से गली हुई भी हो यह आप देखें रोगन भी इसके ऊपर आ चुका है लेकिन मैं इसके बावजूद एक तड़का ज़रूर लगाती होती हूँ देसी घी का अदरक के साथ तो ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क दिया है आप चाहें तो आप ज़्यादा भी छिड़क सकते हैं तो ये जनाब यहाँ पर निहारी हो चुकी है रेडी ये इसका कुछ पार्ट मैंने निकाल के रख लिया है क्योंकि सारे की मुझे ज़रूरत नहीं थी कुछ मैंने अलग कर लिया है और बाकी जो है वो उसके ऊपर मैंने तड़का मैंने लगाना है तो अभी आप देखिए जनाब के यहाँ मैंने तड़का लगा लिया हुआ है देसी घी में थोड़ा सा अदरक ब्राउन करके मैं उसका तड़का ज़रूर लगाती होती हूँ और साथ मैंने सारी मिक्खियां भी निकाल ली हुई हैं नली में शामिल नहीं करती होती जिसने खानी है वो अपनी प्लेट पर डाल सकता है यहाँ इसके लवाजमात भी रेडी हैं तो जनाब इस तरह से आज का वी मुकम्मल होता है मुझे दीजिए इजाज़त अपना रखिए बहुत ख्याल और सर्दियों में निहारी बना के ज़रूर खाइएगा ठीक है और जनाब खुश रहिए आबाद रहिए अच्छा सोचिए अच्छा बोलिए अल्लाह हाफिज़